हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आज जो कॉन्सेप्ट हम समझने जा रहे हैं वो है टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो हम हाइड लिख लेते हैं इसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नया कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग 11th क्लास और इनफैक्ट उससे भी जो पहली क्लासेस हैं हमारी प्रीवियस क्लासेस, उनमें हम बहुत पहले से ये पढ़ते आ रहे हैं। दो टाइप की एनर्जीज हम लोग पढ़ते हैं अक्सर, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द एनर्जी पजेस्ड बाय आवर बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। लाइकवाइज पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि द एनर्जी पजेस्ड बाय आवर बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, है ना, जो पोजीशन है उसकी उसके बेसिस पे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। जनरली हम हाइट से कंपेयर करते हैं, याद करिए मैकेनिक्स में हमने पोटेंशियल एनर्जी को क्या निकाला था, MgH, है ना। तो बेसिकली जो उसकी पोजीशन है, जरूरी नहीं कि हमारा वो हाइट ही हो, है ना, उसकी पोजीशन अलग अलग तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली उसकी पोजीशन के कारण जो उसके अंदर एनर्जी आती है दैट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, और उसके मोशन के कारण जो उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ऑफकोर्स की बात है यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे होंगे, फिर चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इज द एनर्जी पजेस्ड बाय दैट चार्ज ड्यू टू इट्स पोजीशन। ठीक है, अब समझिए इस पोजीशन वर्ड को मैं अभी क्लियर करता हूं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, आप सपोज करिए कि जैसे ये अभी स्पेस है ना, यहां पर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, जब कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आपको इसको इंफिनिटी से यहां पर लाने में, सपोज करिए Q1 चार्ज है, इसको इंफिनिटी से यहां पर लाने में कोई वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, सो W1 इक्वल्स टू आप जीरो मान सकते हैं, क्योंकि अभी तो कोई चार्ज है ही नहीं ना सिस्टम में, कोई चार्ज ही नहीं है। तो इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी को मैं जीरो मान सकता हूं क्योंकि यहां पर अभी कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि ये चार्ज आपने यहां पर लाकर रख दिया। ओके, अब सपोज करिए कि मैं एक और चार्ज लेकर आता हूं, है ना, Q1 चार्ज आप यहां पर लाकर रख चुके हैं, अब मैं एक और चार्ज को लेकर आता हूं यहां पर। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ये चार्ज अब आ चुका है ऑलरेडी, तो ये अपने अराउंड अपने विसिनिटी में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जनरेट होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम लोग निकाल चुके हैं कितना होता है, KQ/r, किसी r डिस्टेंस पर निकालना है। अब सपोज करिए आप इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेकर आ रहे हैं और आप यहां तक उसको लाए, ये पॉइंट आपने p मान लिया, लेट्स से ये चार्ज है Q2 और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैं R12 मान लेता हूं। Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो R12 मान लेता हूं। तो मुझे जो यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, जिसको मैं W2 कहूंगा, वो किसके बराबर होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज। यही तो यहां पर पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, ये फॉर्मूला नया नहीं है हमारे लिए, वर्क इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल पढ़ चुके हैं हम लोग पहले ही, तो हम इसी को लगा रहे हैं। तो यहां पर जो W2 वर्क होगा वो होगा Q2 टाइम्स V1 की वैल्यू कितनी होगी एट अ डिस्टेंस R12, K Q1 अपॉन R12, K Q by R वाले फॉर्मूले से अगर मैं इसको सिस्टमेटिकली लिख लू तो W2 इक्वल्स टू हो जाएगा K R12, और आप चाहें तो ये KQ जो है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो अब मेरे यहां पर इस स्पेस में जो पहले खाली था, मैं सबसे पहले Q1 को लेकर आया, ठीक है, तो वहां पर लाने में मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ा क्योंकि कोई था ही नहीं अपोज करने वाला, ये अकेले ही थे यहां पर, तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा। नाउ जब मैं Q2 चार्ज को लेकर आया तब ये ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो जब ये ऑलरेडी प्रेजेंट था तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, उस फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, और
वो वर्क जो है वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। तो अब ये एक सिस्टम बन गया, दो चार्ज का एक सिस्टम बन गया। तो इसके ये जो है, ये सिस्टम जो है, इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जो नेट वर्क करना पड़ा आपको इस सिस्टम को फॉर्म करने में। टोटल वर्क कितना करना पड़ा, W1 + W2, है ना, यही तो टोटल वर्क करना पड़ा इस सिस्टम को बनाने में। पहले आप इसको लेकर आए, फिर आप इसको लेकर आए, वैल्यूज डाल देते हैं। तो W1 तो जीरो है और ये है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस R12। तो यहां से मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूं इसकी, K Q1 Q2 / R12। तो ये फॉर्मूला भी बना सकते हैं आप, इसको मान सकते हैं कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2-point charge system। देखिए 2-point charge है, इसको मैंने एक पूरा सिस्टम माना, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो K Q1 Q2 / R12 होगी। तो आप चाहे तो इसको एक डेफिनेशन या हेडिंग बनाकर ले सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2-point charge system, और फिर आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का मेरा बेसिक एक्सप्रेशन आया है। याद रखिए, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इनफैक्ट कोई सी भी पोटेंशियल एनर्जी हो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनफैक्ट एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी हो, इट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब मैंने दो चार्जेस लेकर आया, ठीक है ना। अब ये फिगर यहां पर बहुत ज्यादा क्लंची हो जाएगा, तो मैं मिटा के फिर से बना रहा हूं। सपोज करिए मेरे को 3-point charge system के लिए निकालना होता, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी मैं यहीं पे हेडिंग आगे बढ़ा देता हूं, ऑफ 3-point charge system, 3-point charge system, मतलब 3-point charge लेकर आऊंगा। जैसे मैं दो लेकर आया, ऐसे 3 लाऊंगा। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। पहले जो पहला वाला चार्ज आएगा हवा में से, तब इसके लिए कुछ भी नहीं है अपोज करने वाला, तो इस पे जो वर्क होगा वो जीरो माना जाएगा। फिर दूसरा चार्ज आया, सपोज करिए यहां पर आ गया, Q2 चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस में R12 मान लेता हूं। इस पे जो वर्क करना पड़ेगा W2, वो कितना होगा, K Q1 Q2 / R12, ठीक है। ये दूसरा चार्ज आ गया। अब सपोज करो आप तीसरा चार्ज लेकर आए, आप सपोज करिए यहां पर लेकर आए, तो हाँ ठीक है, तो यहां पर ये आपका Q3 चार्ज है, तो ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं R13, 1 और 3 चार्ज के बीच डिस्टेंस, और इसको मान लेता हूं R23, 2 और 3 चार्ज के बीच डिस्टेंस। तो आप समझिए, इस पे जो वर्क करना पड़ेगा, जिसको मैं W3 कह रहा हूं, वो क्या होगा, जो वर्क होगा वो देखिए, ये भी इसके ऊपर लगा रहा है फोर्स, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो आपके ऊपर डबल फोर्स आ रहे हैं। यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं इस केस, तो यहां पर दो पोटेंशियल होंगे आपके पास में, ठीक है। तो जब मैं इसके लिए लिखूंगा तो वो हो जाएगा K Q1 Q3 और इनके बीच की डिस्टेंस R13 प्लस इनके बीच का K Q2 Q3 / R23। तो ये आपका टोटल वर्क आया इस चार्ज के ऊपर यहां पर, ठीक है। अब आप ये पूरा सिस्टम अगर देखें, ये 3-point system है, इसको अगर देखें तो जो नेटवर्क होगा, नेटवर्क जिसको मैं W लिखता हूं, वो होगा W1 + W2 + W3, और ये नेटवर्क ही तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी भी सिस्टम की, कि द नेटवर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस ब्रिंगिंग फ्रॉम देम इंफिनिटी, है ना। जब आप उनको इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं एक एक करके, तो आपको उनको पूरा एक सिस्टम बनाने में जो मेहनत करनी पड़ी, जो वर्क करना पड़ा, उसी को उस सिस्टम की हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। सो W = W1 + W2 + W3। अब W को आप रिप्लेस कर दोगे U से, पोटेंशियल एनर्जी का साइन होता है U, U = W1 की वैल्यू 0 है, W2 Q1 Q2 / R12 प्लस W3 1 3 प्लस
सो अगर आप इसको और थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखना चाहते हैं तो के को कर दीजिए बाहर, ठीक है, Q1 Q2 by R12 plus Q1 Q3 by R13 plus Q2, ये इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई इस सिस्टम की ऑफ 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम निकाल सकते हैं, इनफैक्ट आप n पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए भी निकाल सकते हैं। आप देखिए अगर इसको ध्यान से तो ये क्या लिखा हुआ है, के Q1 Q2 अपन R, इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी का मैं एक्सप्रेशन लिख दिया, फिर इनके बीच की का और फिर इनके बीच की, मतलब आपको सारे कॉम्बिनेशन लेने हैं, जितने भी चार्जेस हैं उनके आपस में सभी की आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना है इंडिविजुअली और उनको एडअप कर देना है। इस दोनों के लिए लिखी, इसके लिए लिखी और इसके लिए लिखी, और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या चार्जेस का, नहीं है, ठीक है ना। इसको मैं आपको एक 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम से समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा कॉम्बिनेशन से क्या बोलना चाह रहा हूं। तो चलिए अपन 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम भी देख लेते हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम, ठीक है। इसको अपन लिखेंगे कि कैसे इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है डायरेक्ट, आपको अब बार बार वो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है कि पहले फर्स्ट चार्ज लेकर आए, फिर सेकंड चार्ज लेकर आए, फिर थर्ड चार्ज लेकर आए, फिर सबके इंडिविजुअल वर्क निकाले। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको अगर ये समझ में आ गया तो आपको कभी भी पोटेंशियल एनर्जी लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। ये मैं 4 के लिए समझा रहा हूं, आप किसी भी एन नंबर ऑफ सिस्टम्स के लिए इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखते सपोज करिए 4 चार्जेस हैं मेरे पास में, लेट्स से ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ओके। इनके बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली R12, इनके बीच की R23, इनके बीच की डिस्टेंस R34 और इनके बीच की डिस्टेंस R14, ठीक है। तो ये मैंने इनके बीच की डिस्टेंस मान ली, ओके। अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो या तो वो तरीका अपनाते हैं हम जो हमने अभी सीखा है, क्या पहले एक चार्ज को लेकर आए W1 निकाला, फिर दूसरे चार्ज को लेकर आए W2, फिर तीसरे को W3, फिर W4, फिर सबको ऐड कर दिया W1 W2 W3 W4, ऐड अप करके टोटल निकाल दिया, है ना। वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, आप बार बार, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि एग्जैक्टली हम लोग फॉर्मूला बना कैसे रहे। अब आपको उसको डायरेक्ट लिखना सीखना है तो देखिए डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। जैसे पहले आपने इस सिस्टम को पकड़ा, आपको सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं। आपने पहले Q1 Q2 लिया तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R12 प्लस। अब आप ये कॉम्बिनेशन लीजिए, है ना, बारी बारी सारे कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस ये कॉम्बिनेशन लीजिए, के Q3 Q4 अपॉन R34 प्लस। ये सारा चल रहा है अभी, है ना, खत्म नहीं हो रहा है, यहां पर लिख रहा हूं जगह के चक्कर में। अब आपने ये वाला कॉम्बिनेशन लिया, के Q1 Q4 अपॉन R14, ठीक है। तो ये आपने इसके कॉम्बिनेशन लिख लिए सारे चार्जेस जो आप पॉसिबल कर सकते थे। क्या ये आपने सारे कॉम्बिनेशन लिख लिए आपको लगता है, और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या, क्या और कोई चार्ज बच रहा है जो आपस में इंटरेक्शन कर सकता है, बिल्कुल बच रहा है। जरा ध्यान से देखिए, क्या आपने इसका और इसका कॉम्बिनेशन लिया, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ बगल बगल वाले लेना है, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो एक कॉम्बिनेशन ये भी है, मान लेता हूं ये डिस्टेंस मेरी R13 है, ऐसे ही एक कॉम्बिनेशन ये भी आएगा, इस डिस्टेंस को मान लेता हूं R24 है। तो अभी दो एनर्जीज और एड अप होनी है, तो वो हो जाएंगी के Q1 Q3 अपॉन के डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की, जो कि मैंने R13 मानी है, प्लस के ये डिस्टेंस, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी Q2 Q4 अपॉन R24। तो ये पूरी टोटल एनर्जी है इस सिस्टम की, ठीक है ना। अगर आप इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा,
क्योंकि आपको सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करने होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बगल बगल वाले चार्जेस की आपको एनर्जी लिख के आपने टोटल कर दिया। आपको जो भी पॉसिबल है वो सारे चार्जेस की कॉम्बिनेशन लिखना है, तब जाके आपकी टोटल एनर्जी आएगी। सो आई होप आपको ये टोटल एनर्जी लिखना अब आप सीख गए होंगे और आपको कभी इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, हम वहां पर उसको रिजॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको इससे कुछ बेनिफिट्स हो रहा है, आपकी कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो रहा है, देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।